अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैं बनाने जा रही हूँ सैलमन विद बटर क्रीम सॉस एंड विद रोस्टेड वेजिटेबल्स। तो चीज़ को बनाना कैसे है चलिए देखते हैं। सैलमन विद बटर क्रीम सॉस एंड विद रोस्टेड वेजिटेबल्स को बनाने के लिए जिन अशिया की ज़रूरत है वो ये हैं। सैलमन फिश चाहिए 1 किलो, मशरूम चाहिए 3 to 4, इस तरह आप चॉप कर लीजिए। फ्रेश क्रीम चाहिए 300 ग्राम्स, बटर चाहिए 100 ग्राम्स, इस तरह आप चॉप कर लीजिए। और हमें लेमन चाहिए, 1 लेमन का जूस चाहिए। उसके अलावा हमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए 1 टेबल स्पून, पार्सले चाहिए 1 टेबल स्पून, नमक चाहिए 1/2 टीस्पून और टू टेस्ट, और काली मिर्च चाहिए 1 टीस्पून। तो चलिए नाज़रीन, अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले सैलमन फिश पे ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें और साथ ही नमक और काली मिर्च छिड़क देनी है। थोड़ी सी मैं पिसी हुई डाल रही हूँ, थोड़ी सी मैं कुटी हुई इसके ऊपर क्रश करूँगी और इसको दोनों साइड पे मैं हाथ की मदद से मल लूँगी। आपने इसे 15 मिनट्स के लिए किचन के काउंटर पे ही छोड़ देना है। फिफ्टीन मिनट्स गुजर गए थे, अब मैंने एक नॉन स्टिक पैन लिया, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के इस फिश को मैं डाल के पका रही हूँ जब तक कि ये गोल्डन कलर की नहीं हो जाती। अब एक दूसरा पैन लिया, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के और ये जो मशरूम थे इनको मैं डाल के फ्राई कर लूँगी जब तक कि इन पे गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता। ये मशरूम हो गए हैं, मैं इन्हें डिश आउट कर लूँगी। अब एक पैन लिया, उसमें ये जो लेमन जूस था ये मैं डाल रही हूँ और इसको पका लूँगी जब तक कि ये बिल्कुल जैसा कि आप देख सकते हैं इतना रह जाए। तो उसके बाद आपने इसमें अब क्रीम डालनी है और इसको विस्क की मदद से आपने मुसलसल चलाते जाना है। अब मैं साथ ही ये नमक और काली मिर्च डाल रही हूँ और इसको तब तक पकाऊंगी मैं जब तक कि ये गाढ़ी नहीं हो जाती क्रीम। ये क्रीम गाढ़ी हो गई है तो अब मैं इसमें बटर के एक एक करके चंक्स डालती जाऊंगी और उसको मिक्स करती जाऊंगी जब तक कि ये सारा बटर इसमें ऐड नहीं हो जाता। ये सॉस अब रेडी हो गई है, मैं इसमें मशरूम जो थे वो डाल दूंगी, फ्राइड मशरूम, और साथ ही ये पार्सले भी डाल दूंगी। और इस वक्त मैं इसमें मिक्स करके इसका नमक चेक कर लूंगी और ये सॉस बिल्कुल रेडी है। और ये जो आप साथ में वेजिटेबल्स और फ्राइज़ देख रहे हैं इनको मैंने बेक कर लिया था ओवन में 30 मिनट्स के लिए। आपने इनको ढक के इन पे नमक और काली मिर्च छिड़क के और इनको बेक कर लेना है। तो जी लीजिए नाज़रीन, आपकी मज़ेदार सी सैलमन फिश विद बटर क्रीम सॉस एंड विद रोस्टेड वेजिटेबल्स तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा कि आपकी फ़िश कैसी बनी। Thank you for watching the video and don't forget to share with your friends and family. हमारा फेसबुक का पेज भी है, उसको भी लाइक करना ना भूलिएगा, और हम इंस्टाग्राम पे भी हैं, उसको भी लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें।